लग्जरी कार में बैठकर अवैध पिस्टल को बना रहे थे, दौरान चल गई गोली, युवक हुआ घायल। बता दें समान थाना अंतर्गत बीती शाम नए बस स्टैंड में लग्जरी कार पर बैठकर पिस्टल को बनाते वक्त गोली चली है, युवक घायल हुआ है। आनंद फानंद पर घायल युवक को प्रशांत द्विवेदी के दोस्तों राहुल मिश्रा, गौरव ओझा द्वारा संजय गांधी अस्पताल लाया गया। घायल एवं दोस्तों द्वारा मनगढ़ंत कहानी पुलिस के सामने रखी गई। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशानुसार CSP शिवाली चतुर्वेदी व समान थाना प्रभारी JP पटेल, प्रधान आरक्षक शिवाजीत मिश्रा, आरक्षक मकरध्वज रविशंकर द्विवेदी ने घायल प्रशांत द्विवेदी एवं दोनों दोस्त राहुल मिश्रा, गौरव ओझा से कड़ी तरीके से पूछताछ की तो पूरा खुलासा हुआ। घायल युवक प्रशांत द्विवेदी अपने दोस्तों के साथ पिस्टल बेचता था। पिस्टल पर खराबी के कारण दोस्त राहुल मिश्रा एवं गौरव ओझा ने उसको बुलाकर बोला कि पिस्टल चल नहीं रही है, खराब है। घायल प्रशांत द्विवेदी द्वारा पिस्टल को लग्जरी कार के अंदर बैठकर उसको बना रहा था, तभी अचानक से पिस्टल से गोली निकली और युवक के पैर में समा गई। पुलिस ने बताया कि 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोस्त राहुल मिश्रा, गौरव ओझा के पास से बरामद एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अवैध व्यापार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कल दिनांक को प्रशांत द्विवेदी नामक एक युवक थाने में आया और उसने बताया कि उस पर किसी 2 अज्ञात लोगों द्वारा गोली चलाई गई है और उसके पैर में चोट के निशान थे। तत्काल समान थाना प्रभारी और उनके स्टाफ द्वारा फरियादी को ले जाकर घटनास्थल की तस्दीक की गई। तस्दीक के दौरान CCTV फुटेज चेक की गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो उक्त घटना का होना नहीं पाया गया, और परंतु व्यक्ति के पैर में चोट थी तो व्यक्ति से सख्ती से फिर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जिस आर्म से या पिस्टल से फायर हुआ है वो उसकी स्वयं की पिस्टल है जो 2 साल पहले उसके पास थी, उसने गिरवी रखने के लिए अपने दोस्त गौरव ओझा को दी थी। और जब उसका दोस्त गौरव ओझा, राहुल मिश्रा और प्रशांत द्विवेदी तीनों सिरमौर चौराहे की तरफ जा रहे थे, उस दौरान मैगजीन चेक करने के दौरान गोली से फायर हो गया था। चूंकि ये लोग इलाज कराने जा रहे थे तो डॉक्टर पूछताछ करते, इसलिए इन लोगों ने ये बहाना बना के थाने में सूचना की थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया गया है। उक्त सूचना पर से और तस्दीक के दौरान इन तीनों आरोपियों के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि इनके पास जो पिस्टल बरामद हुई है उसके कोई इनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, ना ही ये लोग कोई सोर्स बता पाए हैं। आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध करके इन पर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये पूर्व से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इन पर पूर्व से ही आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं।